तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज है 21 अगस्त और आज 21 अगस्त का बिहार प्रेस का एग्जाम समाप्त हो गया और अभी हम 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया। और आज के दिन भी बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ जो कि 7 तारीख और 11 तारीख को पूछा गया था, 18 तारीख को जो पूछा गया था वो क्वेश्चन आज भी रिपीट हुआ। लगभग 8 से 9 क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें कि क्या क्या कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। और आज का क्वेश्चन बहुत ईजी था, मतलब कि पहले की अपेक्षा जो 7 और 11 का एग्जाम हुआ उसके अपेक्षा आज का थोड़ा सा इजी था क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है। तो 11.02 किलोमीटर पर सेकंड। और दोस्तों यही क्वेश्चन पूछा गया था 7 अगस्त को जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट वाला में पूछा गया था। 11 पृथ्वी का पलायन वेग, तो पृथ्वी का पलायन वेग हो गया 11.02 किलोमीटर पर सेकंड। आर्टिकल 80 किससे संबंधित है, तो राज्यसभा से। जो अनुच्छेद 80 है किससे संबंधित है, तो राज्यसभा से है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो दोस्तों बिहार में है। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में है। पांचवा क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुस्तक है। तो दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन में गोदान दिया हुआ था, मतलब मुंशी प्रेमचंद का तो बहुत सारा पुस्तक है लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर गोदान होगा, ऑप्शन में गोदान दिया हुआ था। भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था, तो दोस्तों भारत में प्रथम, तो दोस्तों भारत में प्रति व्यक्ति आय का सर्वप्रथम जो अनुमान लगाया था दादाभाई नौरोजी लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 7, डेयरी मत्स्य पालन कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र। जो मत्स्य हो गया, जो भी मतलब हम नेचर से प्राप्त करते हैं सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो डेयरी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, कृषि हो गया, सारा का सारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जिसमें निर्माण होता है, कोई भी वस्तु का निर्माण होता है, तो सेकेंडरी में आ गया और टर्शियरी में आता सेवा, जैसे कि डॉक्टर हो गया, ये सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व जल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल। विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, अटल सेतु किस राज्य में है, तो दोस्तों अटल सेतु है जो महाराष्ट्र में, मुंबई के महाराष्ट्र में है और इसका हाल ही में अभी उद्घाटन हुआ था, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में आता है, तो राज्यसभा में आता है। जो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो किस सदन में आता है, तो राज्यसभा में आता है। ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था, तो केपलर। क्वेश्चन नंबर 13, अवतल लेंस की फोकस लंबाई होती है, तो धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 2006 में हुआ था। बिहार सूचना आयोग का जो स्थापना हुआ था 2006 में हुआ था। सोनपुर मेला बिहार के किस क्षेत्र में होता है, तो दोस्तों सोनपुर मेला जो होता है वो सारण और वैशाली जिला का सीमा पर होता है और गंगा और गंडक नदी के संगम पर होता है। तो सोनपुर मेला है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। क्वेश्चन नंबर 16, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों डीएनए का फुल होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 17, WTO में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, WTO हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो टोटल 164 देश है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा है। वर्षा जल का पीएच वैल्यू क्या होता है, अब ऑप्शन में क्या देवे थे नहीं पता लेकिन 7 से कम होता है क्योंकि वर्षा जल होता है वो एसिड होता है, तो 7 से कम होता है। वहां पर पीएच वैल्यू क्या देवे था, ये ऑप्शन में आप लोग खुद देखिएगा और देख करके मिलाइएगा कि वहां पर ऑप्शन में क्या देवेगा। पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र। जो पटना था उसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को उदयन जो शासक थे वही बसाए थे। विद्युत बल का जो तंतु होता है किस धातु का बना होता है, जो विद्युत बल जो फिलामेंट होता है किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का होता है। 1998 के परमाणु परीक्षण के समय भारत के पीएम कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। जब 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो उसमें जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे, दोस्तों ये भी क्वेश्चन आया था 7 अगस्त को जो क्वेश्चन आया था, तो बिहार का प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। कोसी नदी का लंबाई कितना, कोसी नदी से लगभग हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा, तो पूछा था कि बिहार का शोक कौन नदी है या तो फिर कोसी नदी का लंबाई हो गया इस प्रकार से, या कोसी नदी है जो कहां पर गंगा नदी मिलती है, इस प्रकार से क्वेश्चन कोसी नदी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा रहा था। तो इस बार क्वेश्चन पूछा जो 21 अगस्त को पूछा, कोसी नदी का लंबाई कितना, तो 720 किलोमीटर। हर एक किताब में अलग अलग दिया रहा था लेकिन जो एक मान्यता है 720 किलोमीटर ही वैल्यू है इसका। और कोसी नदी कैसे क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, 7 को ही पूछा है, 11 को ही पूछा है। ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो ककोलत का है 150 से 160 फीट इसका ऊंचाई है ककोलत का।
और बिहार में और भी जलप्रपात है, जैसे कि सासाराम में हो गया जो कि रोहतास जिला में है, कुदला वानी वाटरफॉल, तो बिहार में बहुत सारा है। बिहार के जलप्रपात से क्वेश्चन आ रहा है, बिहार के जो वेटलैंड है उससे आ रहा है। देखिए WTO का गठन था, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा, 1 जनवरी 1995 को हुआ था WTO का गठन। लाल पान की बेगम के लेखक कौन है, तो दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु है। ये 9वां क्लास से क्वेश्चन पूछा हिंदी से, तो लाल पान की बेगम जो है उनका लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 61 में। और आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रक्रिया किसके संविधान से लिया गया है, ये आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो दोस्तों 1929 में कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। आप लोग बताइए कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांधी जी किए थे कब किए थे और कहां किए थे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कांवर झील, देखिए ए भी क्यों रिपीट है, कांवर झील किस राज्य में है, तो बिहार राज्य के बेगूसराय में है। और दो और है वेटलैंड जो कि जमुई जिला में है। क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है 51 के ए में है। और आप लोग बताया कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 543 है। क्वेश्चन नंबर 35, पौधे में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। एक क्वेश्चन आपको 7 अगस्त को पूछा था कि पौधा के जो तना होता है किसके कारण कठोर होता है, ऐसे पौधा में वृद्धि हार्मोन जो होता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन होता है। क्वेश्चन नंबर 36, रक्त दाब को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है, तो एड्रिनल ग्रंथि है। और सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो NaNO3। देखिए फिर से आपको दिया, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी का। और ये भी पूछा था कि कोसी नदी का लंबाई कितना है। क्वेश्चन नंबर 39, 2024 में प्रोटेम स्पीकर कौन बने, तो दोस्तों 2024 के जो स्पीकर हैं वो ओम बिरला है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर पूछ रहा है तो भारतृ मेहताब। क्वेश्चन नंबर 40, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षर दर वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम महिला साक्षर दर वाला राज्य जो है राजस्थान। लेकिन ओवरऑल पूछेगा कि सबसे कम साक्षर दर वाला राज्य कौन है, तो बिहार है, मतलब मेल और फीमेल दोनों को मिला करके, लेकिन सिर्फ फीमेल पूछेगा तो राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य चुनाव आयोग संबंधित है किस अनुच्छेद से, तो 243 के केस है, जो राज्य चुनाव आयोग है वो 243 के केस संबंधित है। अध्यादेश जारी कौन करता है, तो दोस्तों अध्यादेश जो जारी करता है 123 के अनुसार राष्ट्रपति और 213 के अनुसार राज्यपाल करता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन नंबर 44, प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार पटेल थे, प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 45, दलाई लामा भारत कब आए थे, तो दोस्तों दलाई लामा भारत 1959 को आए थे। ताजमहल को किसने बनवाया था, तो दोस्तों ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन यही 7 अगस्त को क्वेश्चन आया था कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, 7 अगस्त को क्वेश्चन आया था। चलनी कोशिकाएं किस में पाया जाता, तो फ्लोए में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, वित्तीय पात किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो दोस्तों वित्तीय पात जो है अनुच्छेद 360 में वर्णित है, लेकिन भारत में अभी तक वित्तीय पात एक ही बार नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 49, अलवर कौन थे, तो दोस्तों अलवर एक वैष्णव संत थे। क्वेश्चन नंबर 50, नवरात्र में कौन सा समास है, तो नवरात्र में दीगु समास है। क्वेश्चन नंबर 51, जीवन का स्वतंत्रता से संबंधित है, जीवन का स्वतंत्रता संबंधित है अनुच्छेद कौन सा, तो अनुच्छेद 21 संबंधित है जीवन का स्वतंत्रता से। क्वेश्चन नंबर 52, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में, तो दोस्तों 44 में समान नागरिक संहिता जो है 44 में। विद्युत आवेश में प्रवाह को क्या कहा जाता, तो विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54,
निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 55, वर्तमान में भारत में के शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान, जो अभी फिलहाल में 2024 में वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। भीम बांध अभयारण्य किस राज्य में है, तो दोस्तों भीम बांध अभयारण्य जो है वो बिहार राज्य के मुंगेर में है। क्वेश्चन नंबर 57, ये देखिए ये 18 तारीख को आया था कि पीएम होता है, तो पीएम जो होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है उनको। क्वेश्चन नंबर 58, 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार के किस जिला में है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार के शिवहर जिला में है। ये 1882 लोग है 1 किलोमीटर वर्ग में। और आप लोग बताइए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन सा जिला में है। सोना का प्रतीक होता है, सोना का सिंबल होता है AU। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो JJ थॉमसन। तो दोस्तों 60 क्वेश्चन था जो कि अलग अलग जिला से मिक्स करके क्वेश्चन है, कोई एक जिला का नहीं है। अगर कोई आप लोग के एक जिला के और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के बारे में पता तो मेरे इंस्टाग्राम पे भेजिएगा, इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, वहां से भेजिएगा इंस्टाग्राम पे मेरे। तो टोटल 60 क्वेश्चन था, 2 दिन और एग्जाम बचा है। आज का भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, मॉडरेट क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते क्योंकि 40 से 45 क्वेश्चन इजी है, बाकी फिर थोड़ा लेवल उसका अप हो जाता है, लेकिन 40 क्वेश्चन तक नॉर्मल लेवल का रहता है, उसके बाद फिर थोड़ा अप हो जाता है। तो 2 दिन और एग्जाम बचा है, 25 का और 28 को एग्जाम बचा है, तो हम 25 और 28 का भी सोल्यूशन आप लोग के सामने लाते रहेंगे। अभी तक जितना भी एग्जाम होगा सबका हम सोल्यूशन लेकर के आए हैं, और जब सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा तो एक हम कटअप वीडियो भी लेकर के आएंगे, कितना कटअप जाने वाला है रिटर्न में, क्योंकि इस बार अभी धांधली नहीं हुआ उतना, जैसे कि हो सकता है मे बी सेंटर पर कहीं कहीं पास सुनने में ऐसा आ रहा है कि सेंटर पर कहीं कहीं पास सेंटर मैनेजर वहाँ पास कॉपी रंग आ रहा है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कॉपी नहीं रंगा पाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो वायरल होता था उसमें बहुत ज्यादा कटअप बढ़ जाता था, इसमें बहुत ज्यादा कटअप जाने वाला भी नहीं है, तो हम कटअप के ऊपर एक वीडियो लेकर के आएंगे जब सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।